केन्दूर जिला आनंदपुर उपखंड साइंकुला नेहरू हाई स्कूल स्टेडियम ठारे अनुष्ठित राज्य स्तरीय हिंगुला क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट उद्घाटित होई जायछि। हिंगुला एथलेटिक एसोसिएशन अनुकूल रे अनुष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट को साइंकुला सरपंच मिलारानी नायक मुख्य अतिथि भावे जोग दे क्रीड़ा पताका उत्तोलन करी खेल को शुभारंभ करथिले। सम्मानित अतिथि भावे नेहरू हाई स्कूल प्रधान शिक्षयित्री दीप्तिमय चक्र खिलाड़ी मानक सहित करमर्दन मध्य करथिले। साइंकुल रे जो प्रतियोगिता होई छी एटा प्रथम आम रीजनल टीम करके खेलूँ प्रथम खेलूँ रीजनल 72 मसीह तापर आमर हिंगुला क्लब है 74 मसीह से दिन ये क्लब सहित मोर संपर्क अच्छी मु ये क्लब्र मो घर ये 15-17 किलोमीटर दूर कि मुझे प्रथम आगे आसिक पहुँचे। ये मोर गोटे उद्देश्य अच्छी जे ये क्लबटा जो 70 दशक 80 दशक जो स्पोर्ट्स आम खेलुले जीवन प्रथम मैच बारिपदा क्रीडा छात्रावास और भुवनेश्वर किशोर क्लब मध्य अनुष्ठित तीव्र प्रतिद्वंदितामूलक खेल में प्रथमार्ध में भुवनेश्वर गोटे गोल दे अग्रणी था बेले द्वितीयार्धे बारिपदा सुंदर खेल प्रदर्शन कर दुईट गोल बाजी मारी फल बारिपदा 2-1 गोल भुवनेश्वर को परास्त कर सेमीफाइनाल को उन्नीत होती। रियाज कादिर रेफरी दायित्व तुलाईता बेले उत्तम बारिक चित्तरंजन ओझा चित्तरंजन महापात्र लाइन ने सहयोग करते। क्लब्र सभापति ब्रह्मानंद पट्टनायक संपादक मार्कोन बहु पुरातन खेलाड़ी सहयोग करते। आज साइंकुला हिंगुला एथलेटिक एसोसिएशन अनुकूल राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट होती 6 दल भाग नौकर। आज खेल में किशोर क्लब भुवनेश्वर बनाम स्पोर्ट्स हॉस्टल बारिपदा सहित खेल हम 3:30 बजे खेल आरंभ हम। ग्रामांचल उद्देश्य महत्व हूँ आगामी पीढ़ी केमी भल फुटबॉल खेलिए पड़िया बहुत फुटबॉल खेलिक आसिले रीजनाल टीम होता है। हिंगुला क्लब है आम हिंगुला एथलेटिक एसोसिएशन है बाहर बहुत मानने ऑल इंडिया टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर ग्रामांचल जाकि ऑल इंडिया टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करी भल नाम भी कमी थे कि विगत 7-8 वर्ष तो पूर्व खेल ये पार ना एवर्ष आम आरंभ करूँ जे युवपीढ़ी प्रोत्साहन खेल आरंभ करूँ। केन्दूर जिला प्रतिनिधि प्रभाती साहू रिपोर्ट जागृति लाइव मीडिया।